लौट आओ अनु, पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। अंजना रितु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो देखा कि झेलम एक्सप्रेस पहले से ही वहां खड़ी हुई है। सीट नंबर देखकर वह उसमें चढ़ गई, बैठकर राहत की सांस ली। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। उसने देखा कि रितु अभी भी नींद की खुमारी में है और ऊपर वाली बर्थ पर सोने की तैयारी कर रही है। वे एक शादी से आए थे और रितु बच्चों के साथ खेल खेल कर और मस्ती करके बहुत ज्यादा थक गई थी। अंजना काफी समय बाद अपनी भांजी की शादी में दिल्ली आई थी। जब से पूना गई है वहीं की होकर रह गई है। माता पिता है नहीं, भाई अमेरिका में सेटल है। ये देखकर एक बहन ही है जिससे शादी के बहाने मिलना हो गया। माइके के नाम पर तो बस बहन है और दुकान के नाम पर कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में आगरा आने वाला था और अंजना यादों में खो गई। वैसे तो कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ, लेकिन एक बार संबंध विच्छेद हो गया, फिर ना तो वह गई ना ही उसे पति सौरभ ने बुलाया। दोनों के बीच ईगो की अनदेखी दीवार थी जिसे दोनों ही महसूस करते थे, पर उन्होंने उसे गिराने की कभी कोशिश नहीं की। सौरभ के साथ अपने बेटे राहुल को भी खो दिया अंजना ने। जब राहुल 10 वर्ष का था तो वह 3 वर्ष की ऋतु को लेकर आवेश में आगरा से पूना चली आई। राहुल की उस समय स्कूलिंग थी, इसीलिए उसे साथ नहीं लाई। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि अब वह वापस यहाँ नहीं आएगी। जैसे जैसे आगरा नजदीक आ रहा था, अंजना सोच रही थी राहुल कितना बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा, क्या सौरभ के बाल सफेद हो गए होंगे। ऐसे कितने सवाल उसके मन में उभर उभर कर तूफान मचा रहे थे। बार बार मन में दबी कोई आशा, कोई लालसा उसके मन को विचलित कर रही थी। उसका मन कर रहा था वह एक बार ट्रेन से उतर कर चुपके से उस घर को, राहुल को और सौरभ को देख आए। 8 साल हो गए उन्हें देखे। कैरियर के ऊंचे मुकाम को पाने के लिए वो पूना चली आई थी और अपना तिस्ता अतीत भूल गई थी, परंतु आगरा आने पर उसे सारी चीजें दोबारा याद हो आई। अचानक ट्रेन रुकने से उसकी तंद्रा भंग हुई, आगरा स्टेशन आ गया था। उसकी धड़कनों की गति मानो चरम सीमा पर पहुंच गई। वह खिड़की से इधर उधर झांकने लगी, शायद कोई नजर आ जाए। सौरभ का तो ठीक है, लेकिन अगर राहुल नजर भी आ गया तो क्या वो उसे पहचान पाएगी। पर कोई नहीं दिखा और ट्रेन चल पड़ी। वह भारी मन और दिमाग से अपनी सीट पर बैठ गई। तभी एक्सक्यूज मी जरा साइड देंगी की आवाज से चौंक के ऊपर देखा तो एक सुदर्शन किशोर युवक बैग उठाए अपना सामान सेट करने की कोशिश कर रहा था। वह थक रह गई। अपनी पहचान को परिणति दे पाती अचानक देख खुशी स्तब्धता और आश्चर्य की अधिकता से कुछ समय बाद ही नॉर्मल हो पाए। राहुल उन दोनों के भावों को देखकर ही माँ को पहचान गया। उसने झुककर अंजना के चरण स्पर्श किए तो रुका हुआ वक्त, रुकी हुई ममता सब द्रवित हो गए। थोड़ी देर पहले के उसका मन का खालीपन इतना लबालब हो गया कि उसके नियंत्रण से बाहर रहा था। आवाजों को सुनते ही उसे रितु की नींद खुल गई, पर वह आंखें फाड़ कर नीचे गिर गई। अंजना भरे मन पलटे करके गले से बस इतना ही कह पाई, पापा भैया। रितु तो जैसे उछल कर नीचे गिर गई। यह संयोग था, उस समय दोनों सीटों पर कोई नहीं था, वरना ये पाई वाली मुलाकात का अभाव होने की संभावना। सौरभ एक अच्छे लड़के थे और रितु ने
है। अंजना आज अपराध बोध महसूस कर रही थी। उसने अपने जीवन को तो विषाक्त बनाया ही, बच्चों से भी उनके स्वाभाविक बचपन की मिठास को छीन लिया। यदि दोनों ने अपने अपने अहम को तवज्जो न देकर सामंजस्य से स्थितियों को संभाला होता तो शायद आज इस तरह का नहीं होता। शादी से पहले वो अपने कैरियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। सौरभ को उसके जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी। कोई आर्थिक अभाव भी नहीं था तो सौरभ ने अंजना को नौकरी छोड़ने को बोला और कहा कि यदि योग्यता और क्षमता है तो नौकरी पुनः प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अंजना गृहस्थी के इन पचड़ों में पड़कर अपना कैरियर दाव पर लगाने को तैयार नहीं थी। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ और आवेश में अंजना छोटी सी रितु को लेकर पुणे आ गई। आज उसके ऑफिस में ऊंची पोजीशन है, रुतबा है, लेकिन वह सब पारिवारिक सुख के आगे फीका लग रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने ज्यादा खोकर कम पाया है। सफलता, उपलब्धियों की खुशी जो परिवार के साथ रहकर अमूल्य हो जाती है, परिवार के बिना मूल्यहीन और अपूर्ण लग रही थी। सौरभ बच्चों के पास से उठकर उसके पास आ गए और बताया कि वो राहुल को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने पुणे की एक संस्थान में जा रहे हैं। सोचा था तुम्हारे ऑफिस में अचानक पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, ऑफिस की औपचारिक वातावरण में ये होमली फीलिंग नहीं आ पाती जो यहाँ दिख रही है। बच्चों को भूख लगाई थी, अंजना ने बास्केट खोलकर खाना लगा दिया। खाना काफी था, सबको पूरा हो गया। आज सबको एक साथ इस तरह खाते देखकर अंजना की वर्षों की तरसी आत्मा तृप्त हो गई। पुणे पहुंचकर अंजना आग्रह पूर्वक उन्हें अपने घर ले गई। हालांकि वे हिचकिचा रहे थे और अगले दिन आने के लिए कह रहे थे, लेकिन शायद उनका मन भी अलग होने का नहीं कर रहा था। अब सौरभ पहले की तरह खिंचा हुआ नहीं लग रहा था, काफी आत्मीयता से पेश आ रहा था। ऋतु से तो बहुत खुल गया था, सब थके हुए थे इसीलिए समय से सो गए। सुबह तैयार होकर सौरभ राहुल को कॉलेज ले गया। आकर सबने एक साथ समोसे और चाय का लुत्फ उठाया। शाम को सब पास के मार्केट में घूमने चले गए और डिनर भी बाहर ही किया। अगला पूरा दिन पुणे दर्शन का प्रोग्राम था। पुणे दर्शन के दौरान सबने भरपूर एंजॉय किया और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन को जिया। अब अंजना चाह रही थी कि सौरभ एक बार उसे कहते वापस चलने के लिए तो वह ये नौकरी, पद, प्रतिष्ठा सब छोड़कर उसके पास में चली आएगी। सुबह 4 बजे उठकर वह इधर उधर बेचैनी से घूम रही थी और रसोई में चाय बनाने गई। तभी पीछे से सौरभ भी आ गए। चाय बना रही हो, मेरी भी बना दो, मुझे भी तुम्हारी तरह रात भर नींद नहीं आई। अंजना ने प्यार और आश्चर्य से सौरभ की तरफ देखा। सौरभ उसका हाथ पकड़कर अधिकार से बोले, घर लौट चलो नानू, तुम्हारे बगैर हमारा मन सूना, घर और परिवार अधूरे हैं। इतने वर्षों बाद प्यार और अपनेपन के स्पर्श की गर्माहट ने वर्षों से जमी संवेदना की बर्फ को पिघला दिया। आंसू के रूप में गुल गुल कर वह बर्फ अब सौरभ की शर्ट को भिगोती जा रही थी। अंजना पति और बच्चे